मध्य प्रदेश में 1 जून से अनलॉक करने के बाद एक बार फिर बाजारों में रौनक लौटने लगी है। राजगढ़ कलेक्टर नीरज कुमार सिंह ने सुबह 10 बजे से 4 बजे तक दुकान खोलने की अनुमति दी है। जिला प्रशासन की अनुमति के बाद नरसिंहगढ़ में लंबे अंतराल के बाद चहलकदमी देखी गई। हालांकि कोरोना गाइडलाइन का पालन कराने के लिए पुलिस प्रशासन चुस्त नजर आया, जहाँ दुकानदारों सहित आम जनता से मुंह पर मास्क और सोशल डिस्टेंसिंग के पालन की अपील की गई। आज मध्य प्रदेश में अनलॉक की प्रक्रिया शुरू हुई है, तो किस प्रकार शासन अगला कदम उठाएगा? हमारी प्राथमिकता है कि लोगों की जानमाल की सुरक्षा करने का। लॉकडाउन खुला हुआ है, पब्लिक इधर से भीड़ के रूप में, समूह के रूप में मार्केट में घूम रही है। हमारा काम है सचेत करना, सबको आगाह किया जा रहा है। इसी के अलावा दुकानदारों को भी समझाई दी जा रही है कि बिना मास्क के आप ना रहें और ना ही ग्राहकों को बिना मास्क के आप दुकानदार ने दें। सर, कितने दुकानों का चालन करता है अभी? लगभग 4-5 दुकानों पर अभी कार्रवाई की जाएगी। आगे क्या कार्रवाई की जाएगी? लगातार निरंतर जारी रहेगी, पूरा सरकार प्रशासन हमला साथ में घूम रहा है।